Hello everyone, I am Professor Harpreet Bhangra. I will be discussing about the very favorite subject of yours in commerce, that is secretarial practice. Sahi kaha na maine? Secretarial practice aapka favorite subject hai? Nahi hai to ho jayega. We will discuss very important topics in secretarial practice. For now, I will focus only on standard 12th. Syllabus. From 2020-21, the Maharashtra State Board has revised the syllabus of the subjects in commerce. I would like to clarify that there are very slight and productive changes in our secretarial practice subject. Maharashtra State Board has also shared the new secretarial practice textbook, which is available in PDF format. The same has been circulated in the colleges also. I will share the link of the same below my video. In this channel, I would first cover the topics which are very important from the point of view of our HSC examination. Mera focus yahan pe un bachon pe hoga jo vernacular medium se aate hain, jaise ki Hindi medium, Marathi medium. एंड सडनली 11th स्टैंडर्ड में इंग्लिश में सारे आंसर्स लिखने होते हैं, उन्हें कैसे डिफिकल्टी होती है. सेकेंड फोकस मेरा उन बच्चों पे है जो 11th में आके मैथ्स लेते हैं एंड सडनली 12th में उनको शिफ्ट होना पड़ता है फ्रॉम मैथ्स टू SP फॉर एनी रीजन. थर्ड मेरा फोकस उन बच्चों पे होगा जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट को, बार बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं. इन चैनल्स में मैं वीडियोस अपलोड करूंगी जिसमें हम करेंगे हर आंसर को कैसे लिखना है आंसर पेपर में, पास्ट 5 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर हम सॉल्व करेंगे जिसमें सब इम्पॉर्टेंट चीजें हम प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे. मैं कोई लेक्चर्स नहीं लूंगी क्योंकि लेक्चर्स हम स्कूल में लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, क्लासेस में लेते हैं एंड बहुत सारे चैनल्स में हमें लेक्चर्स मिलते हैं. मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं लूंगी, मैं उन टॉपिक्स को उठाऊंगी जो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आएंगे और आपको बहुत हेल्पफुल होंगे. आप पास भी हो जाओगे और आपको मैक्सिमम नंबर्स भी मिलेंगे आपके सब्जेक्ट में. सो मेरा फोकस वहाँ रहेगा. इन लास्ट द नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको अपलोड करूंगी उसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर से जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. अगेन आई विल से मैं लेक्चर नहीं लूंगी, जो क्वेश्चंस उसमें इम्पॉर्टेंट है मैं उस पर फोकस करूंगी एंड वो आपको थरोली बताऊंगी वो याद कैसे रहेगा आपको एंड आप उसका आंसर्स कैसे लिख सकते. टिल देन स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू.